हेलो जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं गोविंद पटेल और आप देख रहे हैं खेती की पार्सल यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको जो है कैसे खाद के बारे में बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही कमाल की खाद है और हर किसान के पास होनी ही चाहिए। क्या है उसके फ़ायदा, किस तरीके से बनता है, उसके बारे में आज आपको बताता हूँ। या दोस्तों, मैं जैसे कि आप ये जो देख रहे हैं ना, ये मेरे केंचुए का बेड है और मैं आपको केंचुए की खाद के बारे में बताने वाला हूँ। मैं किस तरीके से बनाता हूँ वो देखिए, और मार्केट में किस तरीके से बनता है वो भी आप मतलब कि आजमाइश कर सकते हैं। तो मेरा क्या रहता है कि जितने भी वेस्ट मटेरियल रहते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये सब जितने भी वेस्ट मटेरियल आप जो देख रहे हैं ना, ये सब चीज़ को जो है हम लोग इसमें धीरे धीरे डालते जाएंगे और इसको केंचुए की खाद बनाते हैं। केंचुए की खाद किस तरीके से होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, और सामान्य खाद से कितना स्ट्रांग होगा उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। नॉर्मली आप देख रहे हैं, ये जो सड़ा हुआ गेहूँ भी पड़ा हुआ था वो भी इसमें डाल दिया गया है। फाइनली नीचे जो है आप देखिए, मेरे जो केंचुए का खाद है पूरी तरीके से बन के रेडी है। ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरी चाय की पत्ती की तरह दिखता है, तो समझ सकते हैं कि आपकी जो केंचुए की खाद है वो बन के रेडी हो चुका है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, मुट्ठी में भी करोगे तो आसानी से यह जो है फट जाते हैं, मतलब कि ये रेडी हो चुका है। और ये खाद जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब कि स्ट्रॉन्ग खाद है। क्यों मैं आपको स्ट्रॉन्ग बोलता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सामान्यतः जैसे कि हम ये जो गेहूं के दाने देख रहे हैं, जैसे कि हमने गेहूं का रोटी खाया, हमारे बॉडी में जैसे हम लोग गेहूं का रोटी या फिर चावल खाते हैं तो हमारे जो आहार नाल रहते हैं वहाँ से लार वगैरह निकलना चालू होता है, और वह लार जो है धीरे धीरे मतलब कि गेहूं में आपको पता है बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारे प्रोटीन और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट रहते हैं जो हमारे शरीर के लाभदायक होते हैं, तो लार वगैरह जो है धीरे धीरे उसको जो है तोड़ना चालू करता है और वह निकाल के हमारे बॉडी को दे देता है, बाकी चीज़ को निकाल देता है। उसी तरीके से जब इसको केंचुए खाते हैं सामान्य से जो कचड़े को, तो उसके बाद इसमें जो है वो जो ऐसे चीज़ जो पौधे की ज़रूरत नहीं रहती, जो केंचुए की ज़रूरत है वो तो उसको ले जाता है, और उसके बाद ये मल के माध्यम से इसको छोड़ देता है। तो यह जो है डायरेक्ट पौधे इसको ले सकता है, मतलब कि इसको पौधे खा सकता है। इसमें पौधे को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको पौधे डायरेक्ट ले सकता है, और इसमें बहुत सारे जो है न्यूट्रिशन होते हैं। साथ ही साथ केंचुए तो आपके पास होते ही हैं, अभी जो है केंचुए लगभग इसमें नीचे साइड चले गए हैं सब, तो आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से इसको जो है कंप्लीट कर चुके हैं, ये जो है मेरा रेडी हो चुका है। मेरा जो ये कहने का मतलब, या फिर मैं इसको जो है लगभग सभी फसल में प्रयोग करता हूँ, बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नहीं हो पाती मेरा, लेकिन हर एकड़ में कम से कम मैं 5 से 7 बोरी जो है मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, और ऐसे जो है हर किसान को करना चाहिए। चाहे तो आप इसको इस तरीके से जो प्लास्टिक का आता है ये ले सकते हैं, ये तो गवर्नमेंट सब्सिडी वाला है, या फिर आप जो है सीमेंट के टांके से भी इसको बना सकते हैं। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये बांस है, हर तरफ एक राउंडिंग पूरा बांस है, तो ये बांस के छांव में रखो इसको, आप जितने ज़्यादा छांव में रखेंगे ना उतना अच्छा ये चलता है, डायरेक्ट सनलाइट इनको नहीं पड़नी चाहिए, तो बहुत ही बेहतर जो है ये खाद का निर्माण करते हैं। मैं आपको इस सेक्शन में भी थोड़ा सा दिखाता हूँ, सूख चुका है ये पूरी तरीके से, अंदर नमी है, ये आप देख रहे हैं पूरा ये सब उनके मल है, एक एक जो आप देख रहे हैं चाय पत्ती टाइप से जो पड़ा हुआ है सब इसके मल है, मतलब कि ये जो है अब निकालने की अवस्था में आ चुकी है। ये पूरी जो टैंक है वो पूरा ख़त्म हो चुका है, पूरा भरा हुआ था, इतना जो है वो धीरे धीरे कम हो चुका है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग खाद है इसका, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप जो है DAP वगैरह का इस्तेमाल करना भूल जाएंगे। DAP ग्रोमर से जो है इसका ज़्यादा जो है आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, और इससे संबंधित कुछ भी आपके सवाल रहते हैं ना तो आप नीचे में कमेंट कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।